अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो चलते हैं, घर का काम है जो बाकी वो ख़त्म कर लेते हैं। तो प्यारे व्यास, अब मैं सबसे पहले आटा गूंथती हूँ। तो आटा भी रस जाएगा, फिर रोटियाँ बनाएंगे, फिर चाय भी बनाएंगे। अब जहाँ रहें खुश इलाहाबाद रहें। तो प्यारे बस, अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है तो अभी उठ कर आया हूँ, तो मुँह हाथ भी धो लिया है। तो अम्मी अभी चाय बना ली है, तो अम्मी अभी रोटी पका रही है, तो फातिमा भी आने वाली है। तो प्यारे विवाद उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अम्मी रोटियाँ बना रही है। तो प्यारे विवाद, मैं अम्मी को बताती हूँ कि मेरा पराठा भी बनना है, तो कैसे बनता है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो अम्मी अभी रोटी बना रही है, बस ये रोटी बना के फिर मैं तुम्हें पराठा बना के देती हूँ। अभी श्वेत को नाश्ता दे दिया है, वो नाश्ता कर रहा है और मैं फातिमा के लिए पराठा बना रही हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, अम्मी ने चीनी और घी डाल दिया है, तो अभी इसको जैसे गला के दे रही है, इसको बनाएगी। हाँ, अब ये पराठा बन गया है बस।
इसलिए थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो फिर खाना शुरू करेगी। अगर आप खाते हैं तो मेरे साथ आके बैठ के खा सकते हैं, क्योंकि मीठा है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद? तो अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो बाकी सब ने नाश्ता कर लिया है, तो मैंने सोचा जो बिस्तर पड़े हैं ना उसको अंदर रख देते हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। जो भी घर का काम होता है वही आप लोगों से शेयर करते हैं। मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, जो दुख तकलीफ में है अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया भी हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।